वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरजादा एंड यू आर वॉचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं द कश्मीरी फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स के ऊपर लोगों का क्या रिव्यू है। इससे पहले हमने बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं, लेकिन ये बजट में कितने बनी हैं, जाहिर सी बात है इतनी अच्छी वीडियो मूवी जो है वो बनी है और इसमें कितना बजट लगा है, कितना इसने अर्न किया है, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, आपको बताना भूल गई कि मेरा न्यू वीडियो आ चुका है ऑन साइमा पीरजादा व्लॉग चैनल पर, तो आप लोगों ने अगर वॉच नहीं किया तो यार जाएं देखें, इतने इंटरेस्टिंग व्लॉग्स मैं अपलोड करती हूँ। तो अगर देखा है तो भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग्स। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। द कश्मीर फाइल, इस फिल्म ने लोगों के दिलों में घर कर लिया है। सिचुएशन ये बन गई है कि 400 स्क्रीनों से रिलीज हुई ये फिल्म अब 2700 स्क्रीनों के ऊपर चलानी पड़ रही है, क्योंकि लोग सिनेमा के बाहर टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, क्योंकि वो सिनेमा के अंदर बैठकर फिल्म देखना चाहते हैं लेकिन इन स्क्रीनें कम पड़ गई हैं। 2700 स्क्रीनें बहुत बड़ी बात है। कोई मूवी भारत के अंदर रिलीज होती है तो 2000-2500 मूवी स्क्रीन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसा लगता है कि बड़े एक्टर की मूवी चल रही है। लेकिन यहां पर कोई इतने बड़े एक्टर नहीं है, लेकिन फिल्म के अंदर जो सच्चाई दिखाई है वो आज प्रूफ है कि भारत के लोग सच के साथ खड़े होना चाहते हैं और इस फिल्म के साथ वो खड़े हैं। यही कारण है कि आज थिएटरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। दोस्तों, इस फिल्म का बजट कितना था, कितना कलेक्शन अब तक कर लिया है, सारी बातें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पहला रिएक्शन क्या आया है मुसलमानों का, कश्मीर के मुसलमानों का। इजराइल के यहूदियों ने भी बोला है और वो प्रूफ भी हम आपको बताएंगे जिस प्रूफ के अंदर ये मूवी बनी है। और वो लोग जो हंस रहे थे कि हाँ हमने मारा है, हाँ हमने मारा है, उनके भी प्रूफ आज आपको बताएंगे, सारी डिटेल आज आपको बताएंगे। बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने जा रही है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस मूवी के जो एक बजट था 6 से 7 करोड़ का था। इस मूवी ने अब तक 6 दिनों के अंदर इतने रिकॉर्ड बना दिए हैं कि एक के बाद एक कलेक्शन के बाद ये रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। 6 दिनों के अंदर इस फिल्म ने 87.40 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और ये फिल्म बताई जाती है कि 350 करोड़ को भी क्रॉस करेगी। 6 से 7 करोड़ रुपए की फिल्म का इतना क्रॉस कर दिखाता है कि इस फिल्म में सच्चाई है और इसकी स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। भले ही दुनिया के देश साजिश के तौर पर इस फिल्म की रेटिंग गिरा दें, लेकिन यह फिल्म भारत के लोगों के दिल में घर कर चुकी है। जो भी बंदा बाहर आता है या उसके आंखों में आंसू होते हैं और वो ये कहता है कि वाकई में ही इतना बड़ा जेनोसाइड हो गया और हमारी नाकाम सरकारों ने इसके बारे में कुछ बोला भी नहीं। हमारे कश्मीरी पंडित 30 सालों से धक्के खा रहे हैं देश के अलग अलग इलाकों के अंदर और एक एक इंटरव्यू अब मीडिया के सामने निकल कर आ रहा है, लेकिन कश्मीर की तरफ से कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं आई। यहां पर यह फिल्म तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, भारत और मुसलमानों के बीच में, भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा की जा रही है, जबकि सच्चाई तो यह है कि कश्मीर के मुसलमान जागे हैं और वो आज भारत के कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं। एक क्लिप सुनिए, आपके दिल में घर कर जाएगी जो बात ये कश्मीर के मुसलमान बोल रहे हैं। सुनिए। बीरवा के जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूं, वहां 97 के 21 मार्च को जो पहला मास मैसेकर हुआ था कश्मीरी पंडित्स का, वो बीरवा में ही हुआ था, जिसमें दर्जनों कश्मीरी पंडितों को मारा गया। मैंने वो देखा है, आई हैव सीन देम। और उसमें मारे जाने वाले लोग ना ही वो आजादी रोक रहे थे और ना ही वो किसी कश्मीरी मुसलमान को मार रहे थे, निहत्ते लोग थे। उनमें एक इलाके का एक जी इज्जत हेडमास्टर साहब था और मेरे जैसा एक नौजवान था जो उसके शहादत के बाद टीचर लिस्ट में आ गया। तो मुझे बताइए, अगर वो मैसेकर नहीं है तो क्या है? और जब आर्मड रेजिस्टेंस जिसे आप कहते हैं, वो गन और गन के बीच में होती है, पावर और पावर के बीच में, निहत्ते लोगों के साथ आप जो कर रहे हो वो जुल्म नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए। मैं कश्मीरी मुसलमान हूं, मैंने देखा है जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को मारा वो कहां के थे? जजीरे बरमुदा के नहीं थे, हमारे ही बस्तियों के, हमारे घरों के लोग थे। और कश्मीरी पंडित कोई गैर नहीं है, ये कश्मीरी पंडित हमारी कौम है, हमारा खून है, हमारी नस्ल है। यहाँ तो जानवर भी अपने नस्ल के लोग, जो जानवर होते हैं उन्हें नहीं मारते। शेर कभी शेर का शिकार नहीं करता है, कुत्ते कभी कुत्ते को नहीं काटते। जी जी, हम तो इंसान हैं। कम से कम आज तो हमें गैरत होनी चाहिए। जो मेरे वालिद साहब की जनरेशन ने गलतियां की,
कम से कम एज अ यूथ, एज अ प्रोग्रेसिव यूथ, वेल एजुकेटेड यूथ, मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि वो गलतियां हुई है, वो गुनाह हुए हैं, और जिसके लिए हमें कलेक्टिवली आज के डेट में हाथ जोड़ के कश्मीरी पंडितों से, जो हमारा खून है, हमारे कश्मीर का हिस्सा है, उनसे माफी मांगनी है। इसके लिए हमें मूवी की जरूरत नहीं है, इसके लिए बस एक बागैरत जमीर की जरूरत है। जिसमें भी बागैरत जमीर होगा वो कश्मीरी मुसलमान उस गलती को, उस गुनाह को एक्सेप्ट करेगा। ये तो इस्लाम में भी लिखा गया है, अगर आपकी बस्ती में कोई गैर मुसलमान रह रहा हो, अगर जंग के सूरत हाल पैदा हो, आप पे फर्ज आयद होता है उस गैर मुसलमान की जिंदगी को, प्रॉपर्टी को, उसकी इज्जत असमत को बचाना आपके इस्लाम में, हमारे इस्लाम में आपके ईमान का एक जुज बनता है। दोस्तों सुना आपने, ये है वो सच्चाई जो कश्मीर के मुसलमानों के दिल के अंदर है, और जो सच्चा मुसलमान है वो आज दोनों हाथे खोलकर आज कश्मीर के अंदर हिंदू पंडितों को वेलकम करने वाला है। आप लिख कर ले लीजिए, कश्मीर का मुसलमान पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जिहादी रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों जैसा नहीं है, ये भारत का मुसलमान है और भारत के हिंदुओं के साथ खड़ा होना जानता है। क्योंकि ये एक जो घटना हुई थी, कश्मीर के पंडित तो आज कश्मीर का ही खून है, ये कश्मीर के मुसलमान ने बोला है, उसने कहा है कि मेरे बाप दादाओं से जो गलती हुई थी वो मैं गलती दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, और मैं आज माफी मांगना चाहता हूँ भारत के उन कश्मीरी पंडितों को जो 30 साल तक इंसाफ मांगते रहे। इंसाफ देना तो दूर की बात दोस्तों, किसी डायरेक्टर ने फिल्म बनाने के लिए भी हाँ नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं आतंकवादियों के साथ दो दो हाथ ना करना पड़ जाए। खान के नाम से चलने वाली बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई भी डायरेक्टर आज ऐसा नहीं था जो इस पर फिल्म बना सके। और तो और ये सिचुएशन ये बन गई कि अब भारत के अंदर सिर्फ 6 से 7 करोड़ का बजट होता है और ये फिल्म बनती है, और इसके जो सीन है ना दोस्तों, वाकई में ही एक हिस्टोरिक मूवी है, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको इंडी प्लस न्यूज़ की टीम वो रियलिटी बताएगी, जिस रियलिटी के अंदर एक सीन इस मूवी का है, जिसके अंदर वो टेररिस्ट कहता है कि हाँ मारा है, हाँ मारा है, क्या अपनी माँ को भी मार दोगे? हाँ मार देंगे। उसी तरीके का इंटरव्यू बीबीसी न्यूज का आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल को जो मारा गया था, उसके बाद यासीन मलिक जो टेररिस्ट है उसने हंसकर इसका जवाब दिया था। सुनिए ये क्लिप। Our concentration was directly with the Indian security forces. The Air Force personnel, for instance, in January 1990, there was a killing of 4 gunned down while waiting at a bus stop with their families on the outskirts of Srinagar. You are accused by the Indians as being involved in it. Why do you laugh about that? There's nothing to laugh at about the death of people. It is not the matter that I am laughing about the death of the people. The matter is that as far as this Indian Air Force incident is concerned, they belong to the Indian security forces. दोस्तों सुना आपने, देश की सेना का जवान मर गया है और ये टेररिस्ट मीडिया के सामने बीबीसी न्यूज को इंटरव्यू दे रहा है और हंस रहा है। खैर जी छोड़िए, हमारी देश की सरकार, कांग्रेस की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी इस टेररिस्ट के साथ मिलते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। दोस्तों ये हालात तब हैं जब इंडियन आर्मी का फौजी ये टेररिस्ट मार रहे हैं और इन हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर उससे मिल रही हैं। इससे ज्यादा देश के लिए दुर्गति की बात और क्या होगी कि हमारे प्रधानमंत्री इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि 30 सालों तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिल्म बना सके। यही कारण है कि 30 सालों बाद अब फिल्म बन रही है, सच्चाई लोगों के सामने आ रही है, तो अब उनकी चीखें निकल रही है। लेकिन ये वीडियो यहीं तक सीमित नहीं है। शीशपाल वैद्य, ये फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और इन्होंने जो रियलिटी बयान की है वो आपकी आंखों को खोल कर रख देगी और बता देगी कि भारत की सरकारें ही इन टेररिस्टों को सपोर्ट करती थी। ये देख लीजिए दोस्तों, इन्होंने लिखा है, मैनी पीपल इन द कंट्री डू नॉट नो दिस कश्मीर फाइल्स फैक्ट। बहुत से लोग भारत के अंदर हैं जो इस फैक्ट को नहीं जानते हैं। जो पहला बैच 70 आतंकवादियों का ISI ने ट्रेन करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भेजा था, उसे जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इल थॉट पॉलिटिकल डिसीजन,
लेकिन कुछ गलत पॉलिटिकल डिसीजन के कारण उन 70 टेररिस्टों को रिहा करने के ऑर्डर दे दिए थे और इन टेररिस्टों ने ही अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर में बनाई और फिर पूरी दुनिया ने कश्मीर के अंदर हिंदू पंडितों के ऊपर जेनोसाइड देखा और 5 लाख से ज्यादा हिंदू पंडित कश्मीर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। ये ऑफिशियल अकाउंट है और इन्होंने कल ट्वीट किया, शीशपाल वैद इनका नाम है और फॉर्मर डीजीपी है जम्मू एंड कश्मीर के। दोस्तों कोई आज आप बताओ, ये इन्होंने नाम भी दिए हैं, एक एक बंदे के नाम है और इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुरू की और जिहाद के नाम पर लोगों को दुश्मन बना दिया। ये रियलिटी आज लोगों को पता लग रही है। एक और महिला भी हैं जो भारत के अंदर कहती थी कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, यूएन में भारत की सरकार ने माना है कश्मीर इंटीग्रल पार्ट नहीं है इंडिया का। सुनिए इसकी क्लिप, सुनिए। I was kneeling, a journalist, a TV journalist, stuck a mic in my face and very aggressively said, Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not? About 5 times. So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that, even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India. So why are we trying to change that narrative now? दोस्तों सुना आपने, भारत के अंदर रहकर कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और भारत के अंदर ताड़ियां बज रही हैं और इस महिला को सपोर्ट किया जा रहा है। हम क्यों कह रहे हैं सपोर्ट किया जा रहा है? भारत के एक पत्रकार हैं आदित्य राज कूल, ये बेसिकली कश्मीरी पंडित ही हैं जो इन्होंने कश्मीर छोड़ा है और ये दिल्ली आकर बसे हैं और ये पत्रकारिता कर रही हैं। और इन्होंने कहा है कि मुझे ये पता है कि ये इंसिडेंट 2010 का है, दिल्ली के LTG ओडी का है और मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर इस इवेंट को कवर करने लिए जा रहा था लेकिन दिल्ली पुलिस की ACP ने मुझे डिटेन कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता था कि एज ए कश्मीरी हिंदू मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया। और इसके बाद मैं FIR लिखवाना चाहता था गिलानी साहब के ऊपर क्योंकि वो वायलेंस को भड़का रहे थे, लेकिन उन्होंने FIR लिखने से मना कर दिया। लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिए, मैं कोर्ट के अंदर गया, फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि FIR लिखी जाए, लेकिन कांग्रेस के होम मिनिस्टर ने गिलानी साहब को बचा लिया। दोस्तों देख लीजिए कांग्रेस के समय में देश का क्या हाल था। कश्मीर के अंदर अपनी सत्ता हासिल करने के लिए वो टेररिस्टों को सपोर्ट कर रहे थे इनडायरेक्टली। भारत के जर्नलिस्टों को बोलने की आजादी नहीं थी, कश्मीर के अंदर तो इन्हें मार मार कर निकाला गया, लेकिन दिल्ली के अंदर भी इन्हें आजादी नहीं थी कि जो देश तोड़ने वाली ताकतें हैं उनके सामने ये सवाल भी कर सकें। यही कारण है कि अब वक्त बदला है, यही कारण है कि पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं, यही कारण है कि आज देश की जनता कांग्रेस को वोट नहीं दे रही है। यूपी के अंदर 2 सीटें आना कांग्रेस की, ये इन्हीं पाप कर्मों का फल है कि 2 सीटें आ रही हैं। खैर इन बातों को छोड़िए, अब आपको डिसाइड करना है आप किसके साथ हो। इन सारी स्टोरीज के ऊपर आपका क्या रुख है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ओके दोस्तों, सो ये वीडियो था हमारा जिसमें जो है वो कश्मीरी फाइल्स के ऊपर लोग अपनी सोच, अपनी परेशानियां एक्सप्लेन कर रहे हैं और काफी चीज़ें हमें इसके बारे में जानने को मिल रही हैं, जैसे कि लोगों का रिव्यू देखने को मिल रहा है। तो लोग जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हुए हुए हैं, मतलब उस सिचुएशन को देखकर, और हार्ट मतलब कि हम कह सकते हैं कि दिल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, डिसहार्ट हो गए हैं। तो अब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये मूवी ने लोगों की, जो शायद लोगों ने उस लेवल तक इसको फील नहीं किया था जिस लेवल तक अब उनको फील कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो लोग इस तरह की चीज़ों को फील कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था और ये सब। खैर वो कश्मीरी पंडित जो लोग जिन्होंने ये सब कुछ फेस किया था उस टाइम पर, उन लोगों की जो चीज़ें हैं वो आज उनको उनके इमोशंस जो जख्म थे वो दोबारा से उठ गए हैं, खुरेद दिए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि यार उन लोगों के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था। आज उनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये मूवी देखकर आप खुद आइडिया लगा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के इसके ऊपर रिव्यू आ रहे थे, जैसे फिल्म स्टार्स हो गए या कॉमेडियन हो गया, जैसे कपिल शर्मा, उन्होंने अनुपम और मिथुन जी के ऊपर भी काफ़ी ऐसे अजीब अजीब से कमेंट पास किए जो कि मुझे लगता है कि वो बहुत ही फजूल थे, इतने अच्छे एक्टर हैं तभी तो
इनकी एक्टिंग चल रही है और हम बचपन से इनको देखते भी आ रहे हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि इनकी बजट की बात करते हैं, तो बजट यार देखो इन्होंने जो बजट बनाया है, इन्होंने काफ़ी बजट है, वैसे ही बहुत ज़्यादा बजट है, और इस बजट में इन्होंने जो है ये इतनी अच्छी मूवी बनाई है और इसकी अर्निंग जो है वो आने वाले वक्त में ये रिकॉर्ड तोड़ेगी हर मूवीज़ का, जो कि आने वाला वक्त जो है उसमें इसको काफ़ी अच्छा खासा इसको रिवॉर्ड मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि ये इस साल की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है और अवार्ड वगैरह भी इस मूवी को ज़रूर मिलेगा, जिस तरह का इसका देखने को मिल रहा है लोगों के रिव्यूज़ देखकर। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग भी इसको देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुए हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू भी आ गए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं उन लोगों की कि जो उस टाइम पर जिनका इसमें किरदार रहा या फिर जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं इस जेनोसाइड को, तो उन लोगों को जो है वो उन्होंने सरेआम कहा कि हाँ हम ऐसा करेंगे। यार बड़े अफसोस की बात है उन सब लोगों के लिए जो ये बोलते हैं कि हाँ हम तो ये सब कुछ करेंगे। समझ नहीं आता कि वो इंसान है, उनके दिल में दिल था कि नहीं था, लेकिन एटलीस्ट कुछ ऐसे भी उनमें अच्छे लोग भी हैं जो कि आज के दौर में ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोगों के बाप दादाओं ने जो किया वो गलत किया, लेकिन अब हम जो है वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, वो हम उनको वापस लेकर आना चाहते हैं, आए कश्मीर में रहें। इससे ये एक चीज़ पॉजिटिव हो गई है कि जो वहाँ के कश्मीर के जो लोग हैं वो अब जिसे कश्मीरी पंडित जो हैं वो वहाँ से निकल कर आ गए थे माइग्रेशन के बाद, तो उनके दिल में ये था कि यार पता नहीं अगर हम जाएंगे दोबारा से हमारे साथ ये सब कुछ ना हो जाए। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर जो है वो नहीं चाहते थे, लेकिन अब जो है अब मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ से एक मोटिवेशन मिलेगी उनके दिलों को, और शायद वो अब जो है अब वो जाएंगे, क्योंकि इस मूवी के बाद बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो कि उनको वेलकम कर रहे हैं कश्मीरी पंडित को कश्मीर में, और उनका उनकी बारे में बता रहे हैं कि वो लोग कितने खास हैं। तो ओवरऑल यही कहूँगी कि यार कश्मीरी पंडित जो है उनके साथ बहुत बुरा हुआ उस टाइम पर, और इसमें सिर्फ एक पार्टी नहीं, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम्स शामिल नहीं है इसमें। अगर आप देखो तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिसमें आपको कांग्रेस, देखो आप कांग्रेस उनसे हाथ मिलाता हुआ नजर आ रहा है, तो आप खुद आइडिया लगा लो कि कांग्रेस क्या करता है, कांग्रेस का उसमें कितना बड़ा रोल रहा होगा और बहुत सारे लोगों का रोल रहा होगा। तो इस तरह से ही ये कोई एक बंदा ऐसे नहीं कर सकता, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तभी इतना जिगरा आता है किसी में कि इतना बड़ा जेनोसाइड हो गया और किसी को कोई फर्क मतलब कोई कुछ कर ही नहीं पाया, ऐसा तो नहीं ना होता। तो एनीवेज मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन मुझे जहाँ तक इनको देखकर आइडिया हो रहा है तो यही फील हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि उस वक्त जो जेनोसाइड हुआ था उनके साथ और उस वक्त उनके साथ जुल्म हुआ, तो भाई जाहिर सी बात है इंसान हमें चाहिए हम लोगों को प्रोटेक्ट करें, हम इंसानों की कदर करें, हम रिस्पेक्ट करें, उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहें। ये फ़िरकाबंदी मजहबबंदी के बीच में हमने इंसानियत को भुला दिया, हम भूल गए। और इंसान मजहब तो तब आता है जब इंसानियत होती है, इंसानियत होगी तो मजहब होगा ना, जब आप में इंसानियत नहीं है हैवानियत है, हैवान का कोई मजहब तो नहीं ना होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हैवान का कोई मजहब है नहीं है, इंसानियत का मजहब होता है। जब आप इंसानियत आप में है ही नहीं तो फिर आप मजहब किस चीज़ को लेकर फॉलो कर रहे हो, फिर तो अगर आप इंसानियत नहीं और मजहब फॉलो कर रहे हो तो फिर तो हैवानों का भी मजहब हुआ ना। हाँ तो खैर ये बात होती है बहुत सोचने वाली और बहुत गहरी बात है कि मजहब इंसानियत से ही होता है, आपकी इंसानियत अंदर नहीं है, हर मजहब में एक इंसानियत है, अगर आप इंसानियत ही नहीं है तो फिर आप किस मजहब को फॉलो कर रहे हो। कोई भी मजहब आपको ऐसी चीज़ नहीं सिखाता जिसमें इंसानियत ना हो, और जिन्होंने ये फिल्म किया है जाहिर सी बात है उन लोगों में इंसानियत नहीं है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मुझे अच्छा लगेगा। और आपने अगर मूवी देखी है तो अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी होली।